गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए सेशन के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और ये सेशन आपका है 15 मई, यानी 15 मई का सेशन नंबर 16। ठीक है, चलिए एडिटोरियल एनालिसिस आपका विद ग्रामर एंड वोकैब। और सबसे पहले आप जानते हैं हमारा जो सेशन शुरू होता है वो शुरुआत होती है हमारी कोट के साथ, कोट दैट इंस्पायर्स यू, यानी एक ऐसा कोट जो आपको हमेशा क्या करता है बच्चों, इंस्पायर करता है, मीन्स आपको प्रेरित करता है। तो आज का कोट आप देख रहे होंगे, आज का कोट है आपका वर्क, यानी आप कार्य करें, कब तक कार्य करें, अनटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कितना बढ़िया कोट है बच्चों, सोचें आप, वर्क यानी आप कार्य करें अनटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तब तक जब तक कि आपको अपनी पहचान देने की आवश्यकता न पड़े। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आप तब तक कार्य करें जब तक आपको अपनी पहचान देने की आवश्यकता पड़ती रहे, अर्थात एक ऐसा समय आए जब आपको अपनी पहचान देने की आवश्यकता न पड़े, लोग आपको आपके नाम से जाने कि हाँ आप तो ये हैं, मीन्स कभी भी पीछे न हटे, तब तक कार्य करते रहें बच्चों, तब तक जब तक कि आप सफल न हो जाएं और लोग आपके नाम से आपके काम से क्या करने लगें, जानने लगे। ठीक है, तो क्वोटेशन अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करिएगा ताकि हर चीज़ आपके वश में हो और लोग भी आपको जाने समझें आपके कामों के द्वारा, आपके नाम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट सेशन, जैसा कि आप नेक्स्ट सेगमेंट मेरा है रिपीटेड वर्ड्स। बच्चों एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है जो आप समझ सकते हैं, ये देने की वजह मेरी ये है कि आपने जो वर्ड्स अब तक पढ़ लिए, क्या उन वर्ड्स के बारे में आपने बेहतर तरीके समझ लिया, क्या इन वर्ड्स को आपने जान लिया जो वर्ड्स अब तक आप यूज़ करते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने है इम्फेसिस, है ना, पढ़ा है आपने इम्फेसिस, मीन्स क्या होता है, जोर, किसी चीज़ पे आप प्रेशर देते हैं तो आप इम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, इम्फेसिस करते हैं आप। ग्लोबल भी आपने पढ़ लिया है, वैश्विक जो दुनिया भर से संबंधित है वो ग्लोबल है। पैंडेमिक भी आपने पढ़ लिया है, जो एक पेस्टिलेंस होता है, महामारी होती है, वो आपका पैंडेमिक है। पोर्टल भी आपने पढ़ लिया है, मीन्स भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना। पोटेंशियल भी आपने पढ़ा है, किसी की जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता, वो उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, अबैंडन आप पहले से भी पढ़े होंगे, अबैंडन किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना उस चीज़ को, ये अबैंडन करना होता है। कॉशस तो आप जानते हैं और रहते भी हैं, कॉशस मीन्स सतर्क, सावधान। डिकेड्स दशकों को कहते हैं, जो एक दशक, दो दशक, दस दस साल का जो समय होता है वो आपका डिकेड्स होते हैं। अप्रोच, यहाँ पर वैसे अप्रोच की दो मीनिंग्स आप जानते हैं, एक अप्रोच जो आपकी एक्सेस होती है, आपकी पहुंच, और एक अप्रोच जो आपका व्यू पॉइंट होता है, मीन्स आपका दृष्टिकोण। हेजिटेंट, हेजिटेशन आप जानते हैं, हेजिटेट भी आप जानते हैं, हेजिटेट मीन्स हिचकिचाहट प्रदर्शित करना, हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट, और हेजिटेंट वो व्यक्ति जो हिचकिचा रहा हो। डिसरप्टिव भी आप जानते हैं, डिसरप्टिव मीन्स होता है जो विघटनकारी हो, जो तोड़ने की नियत रखता हो, विघटित करने की नियत रखता हो, वो डिसरप्टिव होता है। टर्न आउट टू बी, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में पहले से न जानते रहे हों, कुछ और सोचते रहे हों, और वो चीज़ कुछ और आपके सामने प्रकट हो, ये टर्न आउट टू बी होता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में पता चलना। रेज भी आपने पढ़ा है, उठाना, ठीक है, किसी चीज़ का लेवल जब उठता है तो वो राइज होता है, और आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आप उसे रेज करते हैं। सीक मीन्स तलाश करना, चाहत रखना होता है, इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो मायने रखता है। ये जब आप लिखते हैं ना, ये सीक है आपका बच्चों, ये सीक, लेकिन जब आप इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो आप याद करें ये होता सॉट, SOUGHT हो जाता है। इनिशिएटिव जो अक्सर आप लेते रहते हैं, पहल, कोई पहल जो होती है, प्रारंभिक जो कदम होता है वो इनिशिएटिव होता है। मैंडेट, किसी के द्वारा दिया गया जो अधिकार होता है वो मैंडेट होता है। एलियनेटेड कौन होता है, जो बिल्कुल अलग थलग हो चुका हो, पराया हो चुका हो, वो एलियनेटेड होता है। आप जानते हैं ये एलियन से बना, एलियन, एलियनेट, एलियनेटेड और एलियनेशन। इनएविटेबिलिटी, किसी चीज की अनिश्चितता।
एविटेबिलिटी इन एविटेबिलिटी समझते होंगे निश्चितता होती है बच्चों, जो चीज़ अनअवॉइडेबल होती है, इनस्केपेबल होती है या इनडिस्पेंसेबल होती है या अनइंट्रोवर्टिबल होता है, वो इनएविटेबिलिटी होती है, मीन्स निश्चितता होती है। वल्नरेबल मीन्स कोई ऐसा या कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से किसी चीज़ के चपेट में आ जाए, उसका शिकार हो जाए, वो वल्नरेबल होता है और उस चीज़ के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर वल्नरेबिलिटी होती है। कंसर्न्स चिंताएं होती हैं, ठीक है। ये सेगमेंट देने की वजह आप समझते होंगे कि ये वर्ड्स यानी रिपीट किए जा रहे हैं और ये वर्ड्स सारे जो मैंने दिए ये वर्ड्स इस एडिटोरियल में भी आपको मिल रहे हैं, वो वर्ड्स जो वर्ड्स ऑलरेडी आपने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल को पढ़ते रहेंगे तो रोज, तो आप निश्चित रूप से नए नए वर्ड्स आपके अपने हो जाएंगे और धीरे धीरे उस पर आपका कमांड बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सेगमेंट आपका हमारा नेक्स्ट वोकैब का है, आप जानते हैं। एक मिनट, ये आपका है और ये मैं इरेज कर लेता हूं, ये और ये नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है, ये वोकैब का सेक्शन, सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें हैं जो आप समझते हैं आपके एग्जाम्स में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में जो जरूरी है, वो सारे वर्ड्स यहां मिल जाएंगे आपको। तो पहला वर्ड आप देख रहे होंगे स्पॉन, कौन सा वर्ड बच्चों, स्पॉन। स्पॉन मीन्स क्या होता है, किसी चीज का नतीजा होना, उसको पैदा यानी उत्पन्न करने के सेंस में आप स्पॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई घटना घटित हो रही हो, वो घटना घटित होने की वजह क्या है, वो घटना घटित क्यों हुई, उसके उत्पन्न होना जो उसका है वही क्या है, स्पॉन करना है। टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, और जनरेट मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना, अ लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में जो उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, स्पॉन होते हैं। आप इसके सिनोनिम्स गिव राइज टू ले सकते हैं, इनजेंडर ले सकते हैं, ब्रीड ले सकते हैं, बिगेट ले सकते हैं, बियर ले सकते हैं, इन सब के मीन्स एक तरह से स्पॉन करना मीन्स पैदा करना, किसी चीज़ का नतीजा होना, ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों। स्पॉन अर्थात ये घटना हुई, इस घटना के होने के पीछे ये चीज़ स्पॉन कर रही थी, यानी ये चीज़ उसका नतीजा हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड आपका है फोरटेल, फोर मीन्स ही आप जानते होंगे, याद है आपको, फोर, फोर मीन्स पहले और टेल मीन्स क्या होता है, टेल मीन्स कहना, यही होता है टेल। तो फोर टेल किसी चीज के बारे में पहले ही बता देना, पहले ही कह देना, दिस इज फोर टेल, मीन्स टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी ये बता देना कि भविष्य में क्या होगा, ये फोर टेल करना होता है, यानी आप एक तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं, आप फोरकास्ट कर दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, फोरसी कर ले रहे हैं, उस चीज को आप पहले से ही देख ले रहे हैं, सूत से कर ले रहे हैं, मीन्स भविष्यवाणी कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं आप, मीन्स पूर्वानुमान लगा ले रहे हैं, एनविशेष कर ले रहे हैं, परिकल्पना कर ले रहे हैं, उसकी कल्पना कर ले रहे हैं, एनविजन कर ले रहे हैं, पहले से उस चीज को आप देख ले रहे हैं, सोच ले रहे हैं। अर्थात ऐसा होता है ना, कोई लोग हैं, उन्होंने आपका हाथ देखा और आपसे कहा कि देखिए भाई आप जल्दी ही जॉब पाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोरटेल किया, उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उन्होंने क्या किया, फोरकास्ट किया, उन्होंने एनविजन किया, उन्होंने एनविसेस किया, मीन्स भविष्यवाणी के एंटिसिपेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कर्ट अराउंड, स्कर्ट अराउंड अर्थात बचे बचे रहना, दूर दूर रहना, किनारे किनारे रहना, यही ना स्कर्ट, आउट स्कर्ट्स आपको याद होगा, सरहद होती है ना, तो स्कर्ट अराउंड बच बच के रहना, किनारे किनारे रहना। तो टू यहां मूव रहेगा बच्चों, ये जो सी लिखा गया है यहां पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मूव, टू मूव अराउंड एंड अवॉइड समवन आर समथिंग, यानी इर्द गिर्द ही रहना, लेकिन लोगों से या किसी चीज से बचते हैं अगर आप, तो आप स्कर्ट अराउंड कर रहे हैं, ठीक है, आप अवॉइड कर रहे हैं, डॉज दे रहे हैं, इवेड कर रहे हैं, स्टेयर क्लियर ऑफ कर रहे हैं, सर्कमवेंट कर रहे हैं आप, रिफ्रेन कर रहे हैं या डिटूर कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं,
बच रहे हैं। बच्चे सारे वर्ड्स आप क्या करिएगा, देखिएगा आपके एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स जो हैं काम आएंगे और पढ़ने में भी चीज़ों को समझने में भी काम आएंगे। तो पहला वर्ड आपने पढ़ लिया स्पॉन, मीन्स पैदा करना, उत्पन्न होना, नतीजा होना, फोरटेल भविष्यवाणी करना, और स्कर्ट अराउंड बच बच के रहना, मीन्स उस चीज से परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका व्हर्लविंड। व्हर्लविंड समझते होंगे, चक्रवात या बवंडर को कहते हैं। बहुत बार परिस्थितियां, क्या बच्चों, परिस्थितियां बवंडर का रूप लेती हैं, एक चक्रवात की तरह आपके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, वो भी एक व्हर्लविंड होता है। बहुत बार मस्तिष्क में आपके व्हर्लविंड चल रहा होता है, मीन्स क्या चल रहा होता है, चक्रवात चल रहा होता है, मीन्स एक भावनात्मक उद्वेलन की अवस्था होती है, आप भावनात्मक रूप से बहुत अधिक स्पीड में होते हैं। दिस इज व्हर्लविंड, मीन्स रिसेम्बलिंग अ व्हर्लविंड स्पेशली इन स्पीड और फोर्स। कोई चीज जो एक चक्रवात के रूप में आपके अंदर बहुत तेजी से चल रही हो, वो एक व्हर्लविंड होता है, वो एक ब्लिस्टरिंग है, मीन्स एक घुमरी है, मीन्स चक्रवात है, एक ब्रेकनेक है, मीन्स बवंडर है। आप बचपन में या अभी भी अगर आप कभी जब वो आंधी वगैरह आती है, बहुत बार आप देखते हैं एक चक्रवात की तरह घूमता हुआ कभी कभी आपको दिखता है। दिस इज व्हर्लविंड, व्हर्ल विंड यानी वो हवा जो व्हर्ल कर रही है, मीन्स घूम रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसरप्टिव। कहीं भी अगर आई वी ई है तो समझ जाए एडजेक्टिव है वो। डिसरप्टिव डिसरप्ट से बना है। डिसरप्ट क्या होता है, विघटित कर देना, विघटन उत्पन्न करना, तोड़ना, ठीक है। दिस इज द एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग स्पेशली अ सिस्टम आर प्रोसेस। कोई भी ऐसी चीज जो किसी सिस्टम यानी किसी व्यवस्था या किसी प्रोसेस या किसी प्रक्रिया को क्या कर रही हो, रोक रही हो, उसे विघटित कर रही हो, उसे कहीं कहीं उसके रोकने का कारण बन रही हो, वो चीज क्या हो जाएगी, डिसरप्टिव हो जाएगी। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में जो डिसरप्टिव होते हैं, मीन्स विघटनकारी होते हैं, वो ट्रबल सम होते हैं, मीन्स कहेंगे बाधक हैं, समस्या उत्पन्न करने वाले होते हैं, अनरूली होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, जो किसी नियम कानून को मानने वाले नहीं होते हैं, फ्रैक्शस होते हैं, मीन्स विघटनकारी, झगड़ालू होते हैं, कलह प्रिय होते हैं। दिस इज डिसरप्टिव। आप अपने इर्द गिर्द डिसरप्टिव लोगों को कभी आने न दें, ठीक है। दिस इज डिसरप्टिव, विघटनकारी, समस्या उत्पन्न करने वाले। नेक्स्ट वर्ड है रंबल। बहुत बार आप बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं या लोगों के बहुत शोर की आवाज को आप सुनते हैं। दिस इज रंबल, मीन्स गड़गड़ाना, है ना, गड़गड़ाना या शोर करना, मीन्स टू मेक अ डीप हेवी साउंड, गड़गड़ की आवाज करना, दिस इज रंबल। तो क्या हमने पढ़ा यहां, यहां पढ़ा व्हर्लविंड जो हमारे दिमाग में कभी कभी चलता रहता है, एक चक्रवात, एक बवंडर की तरह। अच्छा, ये वर्ड मैंने छोड़ दिया, सॉरी। इनसेलोरिटी, इनसेलोरिटी क्या होती है, संकीर्णता। जब आप लोगों से अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं, आपकी अपनी सोच, अपना व्यू होता है, तो आप इनसेलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग रहना चाहते हैं, गुट से अलग होके रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इनसेलर होते हैं। उन्हीं से बना है इनसेलोरिटी यानी संकीर्णता या मानसिक संकीर्णता, मीन्स स्टैंडिंग अलोन अर्थात आप अकेले रहना चाहते हो, डिटैच्ड दूसरों से अलग रहना चाहते हो, तो आपके अंदर एक नैरोनेस है, मीन्स संकीर्णता है, एक सेग्रीगेशन है, अलग रहने की भावना है, एक लोनलीनेस है, अकेलेपन की भावना है, अकेले रहने की भावना, ठीक है। तो हमने व्हर्लविंड पढ़ लिया, इनसोलरिटी पढ़ लिया, डिसरप्टिव पढ़ लिया और रंबल पढ़ लिया, ठीक है, ये याद हो गया बच्चों। स्पॉन याद हो गया आपको, ऐसे वर्ड्स पीछे बैक होकर भी क्या करते रहे, देखते रहे, तैयार करते रहे। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं, मैं सभी वर्ड पावर में ही ये बच्चों आपके सामने लिवरेज, ये है आपका लिवरेज। चाइना के पास अथाह लिवरेज, लेकिन आज उसकी स्थिति देख लीजिए। तो लिवरेज शक्ति, मीन्स जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो लिवरेज होती है, मीन्स द एबिलिटी यानी वो क्षमता, योग्यता टू इन्फ्लुएंस सिचुएशंस, क्या परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकते हो,
सो दैट ताकि दे कैन कंट्रोल व्हाट हैपेंस, ताकि आप उस चीज पर नियंत्रण कर लें जो होने वाला है. क्यों? क्योंकि आपके पास एक लिवरेज है, मीन्स क्या, एक शक्ति है, ताकत है आपके पास. तो चीन समझ सकते हैं, बच्चों अमेरिका समझ सकते हैं, इनके पास क्या है, लिवरेज है या ठीक है आप. रेप्यूडिएट, ये वर्ड आपने, रेप्यूडिएशन मैंने बताया था आपको, तिरस्कार या अस्वीकार करने की भावना, यहां वर्ब के रूप में है. रेप्यूडिएट मीन्स टू से दैट यू रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग, यानी ये कहना कि आप इस चीज को नहीं मानते, इस चीज का खंडन करते हैं, आप इसे अस्वीकार करते हैं. दिस इज रेप्यूडिएट करना, मीन्स आप रिनाउंस कर रहे हैं, अर्थात उसे छोड़ दे रहे हैं, नहीं मानते हैं, आप रिफ्यूट कर रहे हैं, उसका खंडन कर दे रहे हैं, अस्वीकार कर दे रहे हैं. दिस इज रेप्यूडिएट. जिंदगी में बहुत ऐसे पल आएंगे जब आप एक्सेप्ट करने के बजाय रेप्यूडिएट करना ज्यादा पसंद करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सकर, मीन्स जब आप एक राहत के रूप में, सहायता के रूप में लोगों को देते हैं तो आप उन्हें सकर देते हैं, मीन्स क्या देते हैं, उन्हें सहायता देते हैं. ये एक प्रकार की हेल्प है. और सिंपैथी मीन्स सहानुभूति है, गिवन टू समबडी, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं हु इज सफरिंग, जो कष्ट में है, दिक्कत में है, यह एक प्रकार की एड है, सहायता, असिस्टेंस है, सहायता है, सपोर्ट है, समर्थन है, सहायता है, हेल्प है, सहायता है ना. तो जब भी आप किसी को सकर कर रहे होते हैं तो आप उसकी सहायता कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रेटोरिकल. बहुत बार लोगों की बोलने की जो शैली होती है ना, वो अलंकारिक होती है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं कि आप कहेंगे अरे क्या गजब का बोलता है. दिस इज रेटोरिक्स मीन्स अलंकारिक भाषा. तो रेटोरिकल मीन्स अलंकारिक भाषा या शब्द आडंबर पूर्ण भाषा, यानी कोई ऐसी भाषा जिसमें शब्दों का आडंबर यूज किया जाता हो, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हो कि सुन करके लोग क्या रहे, मंत्रमुग्ध हो जाएं. तो लैंग्वेज वो स्पीच क्या है, रिटोरिकल है, मीन्स क्या है, शब्द आडंबर पूर्ण स्पीच है. द स्किल यानी वो क्षमता, वो योग्यता. आर आर्ट या फिर वो कला ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, कि आप अपनी भाषा जो है उसे बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर रहे हैं. दिस इज रिटोरिकल. ठीक है, तो हमने यहां लिवरेज पढ़ा, याद हो गया बच्चों, ये याद हो गया लिवरेज. हमने यहां रेप्यूडिएट पढ़ा, याद हो गया रेप्यूडिएट. हमने यहां सकर पढ़ा, सकर याद हो गया. और हमने यहां रिटोरिकल पढ़ा. ठीक है, ये वर्ड जरूर तैयार करते जाएं ताकि आगे आपकी एडिटोरियल को पढ़ने में आपकी मुश्किल ना. ठीक है, और ये आपके सामने है एडिटोरियल आज आपका, जिसमें मैंने यहां पे एक चीज जोड़ी है जो आप देख सकते हैं. एक मिनट, ये देखिए, ये टोन एंड समरी ऑफ द एसे या समरी ऑफ द एडिटोरियल. ठीक है, यहां एसे के बजाय एडिटोरियल समझ सकते हैं बच्चों. इस एडिटोरियल की जो टोन है ना, वो सब्जेक्टिव, यानी लेखक जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है इस एडिटोरियल में प्रकट कर रहा है कि मोदी जी ने जो कुछ किया है या जो कुछ कहा है वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ है या नेगेटिव अप्रोच के साथ है. यानी कहीं कहीं इसमें एक सपोर्ट की भावना है, समर्थन करने की भावना है. और इसमें एडिटोरियल में जो एडिटर हैं उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अभी जो मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो ये पूरा एडिटोरियल इसी पर है कि जो आत्मनिर्भर बनने की जो अपील है, जो इन देशवासियों से की गई है, उस आत्मनिर्भर बनने की अपील के पीछे क्या वास्तविकता है या केवल ये एक रिटोरिकल लैंग्वेज, मीन्स रिटोरिक्स हैं इसके पीछे, यानी केवल शब्दों का आडंबर यूज किया गया, इसी पर एडिटोरियल है. वो कहना चाहते हैं कि मोदी जी का अपना एक अलग व्यू रहा है हमेशा, उस समय भी जब पूरा विश्व ये चाहता रहा है कि भारत अधिक से अधिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाए,
प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए, मीन्स ऐसे लिबरलाइजेशन की तरफ जाए, तो इन चीजों को न नकारते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने कहीं कहीं अपने देश की अपनी अलग से क्या बनाई है, एक इमेज बनाई है, एक ऐसी इमेज जिसमें वो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और कहते हैं कि हम खुद अपनी प्रोडक्ट्स का क्या करें, यहाँ पर निर्माण करें, ताकि दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो हमारी आत्मनिर्भरता में बदल जाए। ये पूरा एडिटोरियल इसी पर है कि वास्तव में वो जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की पीछे उनकी जो भावना है वो क्या है, क्या वो वास्तविकता में बदलेगी, क्या ये फिलॉसफी जो है क्या ये ट्रांसलेट हो पाएगी एक पॉलिसी में, यानी क्या ये जो दर्शन है क्या वास्तविकता में परिवर्तित हो पाएगा, क्या वास्तव में हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ पाएंगे, और क्या उस अपील के पीछे, प्रधानमंत्री जी की अपील के पीछे वास्तव में गंभीरता है या शब्दों का एक माया जाल है, और कल को वो कह दें कि नहीं ये तो केवल एक जुमला था, ऐसा नहीं है, इसी पर पूरा एडिटोरियल आपका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आपकी हेडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये है लोकल मोटिव, यानी लोकल मोटिव, मोटिव समझते होंगे बच्चों, मकसद को कहते हैं, किसको कहते हैं, मकसद, यानी आपका इस समय का लोकल मोटिव क्या है, यानी आपके देश का मकसद क्या है। और आगे आप कह रहे हैं ऑन मोदीज कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस, कॉल मीन्स यहां पर अपील या आवश्यकता प्रकट करना, किस चीज के लिए, फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के, यानी पूरा एडिटोरियल मोदी जी के सेल्फ रिलायंस की कॉल पर है, अर्थात उनकी इस अपील पर है कि हमारे देश को क्या बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। तो बच्चों मोटिव याद हो गया, मोटिव, मोटिव मीन्स क्या होता है, आपका आपका एक पर्पस, क्या होता है, एक पर्पस, आपका उद्देश्य, आपका जो मकसद है, आपका जो अभिप्राय है, ये कहने का जो एक है ना, ये आपका कह सकते हैं सेंस, ये आपका लोकल मोटिव, आपका स्थानीय मकसद आपका, ठीक है। करें पीएम मोदी कॉल, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कॉल है फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, किससे, इसके लिए फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के निर्भरता की जरूरत है, माइट बी अंडरमाइंड, इसे निश्चित रूप से कमजोर किया जा सकता है, इसे निश्चित कम करके आका जा सकता है, इफ यदि इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस, यदि ये कॉल, यदि ये जो उनकी मांग है, उनका जो कहना है, यदि वो ओवरली एम्बिशियस होता है, यानी यदि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होता है, बड़ पोलापन होता है। यहां कुछ वर्ड्स हैं बच्चों जो आपने देखे होंगे, देखिए पहला वर्ड आपने देख लिया मोटिव, याद हो गया मकसद, अभिप्राय, सेंस आपका, कॉल फॉर एक तरह से आवश्यकता प्रकट करना, मांग करना, और सेल्फ रिलायंट याद हो गया आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस मीन्स, अंडरमाइन किसी चीज को कम करके आंकना, अंडर स्कोर करना, और ओवरली, ये जो ओवरली है ना, इसका मतलब यहां समझ सकते हैं टू से, जरूरत से ज्यादा, या और भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं ये वर्ड, इनऑर्डिनेट से है, जरूरत से ज्यादा, या आप कह सकते हैं बच्चों एक्सेसिव से है, जरूरत से ज्यादा, या आप कह सकते हैं एक्सॉर्बिटेंट से है, जरूरत से ज्यादा। तो यहां एडवर्ब के रूप में ओवरली एम्बिशियस, जरूरत से ज्यादा, यानी पीएम मोदी कॉल, यानी पीएम मोदी जी की जो ये पुकार है कह सकते हैं, उनकी जो मांग है, अपील है, वो क्या है बच्चों, एक मिनट, वो क्या है, फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, यानी हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लिए उनकी जो मांग है वो माइट बी अंडरमाइंड, हो सकता है इसे कम करके आंका जा सकता है, इफ यदि इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस, यदि उनकी ये अपील केवल महत्वाकांक्षी बन के रह जाती है, यानी ओवरली एम्बिशियस बन के रह जाती है, तो फिर उनकी कॉल, उनकी जो अपील है वो कहीं कहीं अंडरमाइंड हो जाएगी, अर्थात उसे
कम करके आना चाहिए। चलिए आप माइट जानते होंगे मे की पास्ट फॉर्म है नॉर्मली, बट इसे प्रेजेंट में भी आप कम संभावना के लिए आप यूज करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, अर्थात वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। देखिए करे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इम्फेसिस, आसान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इम्फेसिस, इम्फेसिस याद हो गया जोर, उनका पेश, उनका जो जोर है ऑन ट्यूजडे, कब, मंगलवार, यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोर है ऑन अ रिन्यूड ड्राइव, ड्राइव मीन्स यहां पे अभियान, आंदोलन, कि ऑन अ रिन्यूड ड्राइव, कि फिर से नए सिरे से एक अभियान चलाया जाए फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, किससे, इसके लिए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मांग है कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए फिर से क्या चलाया जाए, अभियान चलाया जाए, उस चीज पर उनका जो जोर है इज नॉट मेयरली अ रिएक्शन, मेयरली केवल, ये इस किसके लिए है पता है, ये इम्फेसिस के लिए, जो यहां सब्जेक्ट था प्रीपोजिशन से पहले। यानी उनका वो जोर इज नॉट मेयरली अ रिएक्शन, वो केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है टू द न्यू ग्लोबल रियालिटीज, इस नई, यानी इस जो नई वैश्विक वास्तविकताएं हैं, यथार्थ है। यानी उनका जो रिएक्शन, उनकी जो प्रतिक्रिया है किसके प्रति, टू द न्यू ग्लोबल रियालिटीज, इस नई वैश्विक वास्तविकताओं के प्रति इस पांडबाई जो उत्पन्न हुई है बाय द COVID-19 पैंडेमिक, किसके द्वारा, इस COVID-19 पैंडेमिक महामारी के द्वारा। मैं जानता हूं आपके दिखते हैं ठीक है, लेकिन यहां देख लें फिर से आप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इम्फेसिस, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इम्फेसिस है ऑन टू डेज ऑन ट्यूजडे, यानी इस मंगलवार को, ऑन अ रिन्यूड ड्राइव, किस चीज पर उनका जोर है, कि हम एक नया अभियान चलाएं, एक नया ड्राइव शुरू करें, नया आंदोलन शुरू करें फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, किस चीज के लिए, एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए। उनका ये जो जोर है, उनका जो इम्फेसिस है इज नॉट मेयरली अ रिएक्शन, वो केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है टू द न्यू ग्लोबल रियालिटीज, जो नई वैश्विक वास्तविकताएं आ रही, यानी नई वैश्विक वास्तविकताओं के प्रति केवल प्रतिक्रिया नहीं है, कौन सी वास्तविकताएं, स्पांड, विच आर स्पांड, जो वास्तविकताएं उत्पन्न हुई हैं बाय द COVID-19 पैंडेमिक, किसके द्वारा, इस पैंडेमिक महामारी, जो कोरोना वायरस की वजह से, इस महामारी के द्वारा, यानी इस पैंडेमिक COVID-19 पैंडेमिक के द्वारा जो वैश्विक रियालिटी सामने आ रही है, केवल उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। यदि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमें भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो फिर ये कहना, ये अपील करना वास्तव में क्या है। देखिए यहां से इट इज, यानी उनका ये अपील करना है क्या है, इट इज अ थ्रोबैक, थ्रोबैक मीन्स वापसी, पुराने समय की तरफ जाना, यानी उनका ये कहना एक प्रकार की वापसी है टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, किसके प्रति वापसी, किस तरफ वापसी, उस राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियों के प्रति, यानी जो हमारी राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियां थी उनके प्रति वापसी है। दैट कौन सी नीतियां, दैट इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, जो नीतियां भारत और अन्य नए जो स्वतंत्र क्या थे, देश थे, यानी न्यूली यहां क्या है, एडवर्ब, इंडिपेंडेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और नेशंस क्या हो गए, आपके नाउ, ठीक है, यानी जो नए उस समय नए नए स्वतंत्र हुए देश थे उनकी जो नीतियां थी फॉलोड इन द लास्ट सेंचुरी, जो कब वो अनुसरण कर रहे थे, पिछले शताब्दी में, बिफोर द हाई टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कब, इस वैश्वीकरण के उस उफान से पहले, यानी जब
पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण स्वेप्ट ओवर हर तरफ क्या हो गया था, फैल चुका था, हर तरफ शराबोर हो चुका था। उससे पहले जो हमारे नए नए उत्पन्न यानी स्वतंत्र हुए देश थे और जो हमारा भारत था उसकी जो राष्ट्रवादी नीतियां थी उन्हीं की तरफ वापसी है। क्या कहना वापसी है, ये कहना कि हमारे देश को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मीन्स आत्मनिर्भर होना चाहिए। यानी अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए तो ये केवल इसलिए नहीं है कि ये कोरोना वायरस का प्रभाव है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि इस सदी से पहले यानी 20वीं शताब्दी में उस समय जब भारत और बहुत सारे देश नए नए स्वतंत्र हुए थे तो जिन नीतियों को वो फॉलो करते थे, मोदी जी चाहते हैं कि हम उन्हीं नीतियों की तरफ क्या जाएं, थ्रो बैक मीन्स वापस हो जाएं, अर्थात कि जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम भागते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इससे हम क्या हो जाएं, पीछे हट जाएं। ठीक है, आपने यहाँ जो वर्ड्स पढ़े मोटिव जरूर देखिएगा, मकसद अभिप्राय आपका, सेल्फ रिलायंस मीन्स आपका आत्मनिर्भरता, और क्वाल फॉर किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करना, और अंडरमाइन किसी चीज़ को कमज़ोर करके आंकना, ओवरली ज़रूरत से ज़्यादा, एम्बिशस महत्वाकांक्षी, और इम्फेसिस किसी चीज़ पर आपका जोर, प्रेशर आपका, रिन्यूड नए सिरे से, ड्राइव आंदोलन या अभियान, वैसे ड्राइव मीन्स पीछे ढकेलना भी होता है और गाड़ी चलाना हाँकना भी होता है, बट यहाँ आंदोलन या अभियान, और कोई वर्ड मेयरली केवल, रिएक्शन प्रतिक्रिया, ग्लोबल रियलिटीज मीन्स वैश्विक वास्तविकताएँ, स्पांड जो उत्पन्न हुई थी, पैंडेमिक मीन्स महामारी, थ्रोबैक वापसी पुराने समय की तरफ वापसी, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियाँ, और कोई वर्ड इसमें का टाइड किसी चीज़ का उफान बहुत अधिक, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, और एक वर्ड और इसमें देख लें आप, स्वीप ओवर, ये है ना आपका स्वीप ओवर मीन्स सराबोर हो जाना, हर तरफ फैल जाना। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देख करें, हिज स्टेटमेंट यानी उनका जो कथन है, आल्सो फोरटेल्स वो ये भी भविष्यवाणी करता है, यानी उनका ये कहना, उनके कहने से ये भी पता चलता है अ पोटेंशियल रिन्यूअल ऑफ द स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज, समझ रहे हैं, यानी उनका ये कहना कहीं कहीं फोरटेल कर रहा है कि अ पोटेंशियल रिन्यूअल कि एक कहीं कहीं शक्तिशाली फिर से जागृति होने वाली है ऑफ स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज, किनका, हमारी अपनी आर्थिक नीतियों का, स्वदेशी आर्थिक नीतियों का, दैट जो आर्थिक नीतियां कंटिन्यू टू इंस्पायर क्या करती रही हैं, इंस्पायर करती रही हैं, प्रेरित करती रही हैं हिंदुत्व पॉलिटिक्स यानी हिंदुत्व की राजनीति को लॉन्ग आफ्टर, कब से, लॉन्ग आफ्टर सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैव अबैंडन्ड देम, तब से वो प्रभावित करती रही हैं मीन्स इंस्पायर करती रही हैं, जब से मध्यमार्गी राष्ट्रवादियों ने हैव अबैंडन्ड देम उन नीतियों को क्या कर दिया है, अबैंडन्ड त्याग दिया है, तब से हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है अर्थात हिंदुत्व की जो राजनीति है वो उसे क्या करती रही हैं, इंस्पायर करती रही हैं, कौन से इंस्पायर करती रही, क्या चीज़ें, स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी अपनी घरेलू जो स्वदेशी आर्थिक नीतियां। ठीक है, देख करें, इंडिया ओपेंड इट्सेल्फ टू द ग्लोबल मार्केट इन 1991, समझ रहे हो, भारत ने 1991 में क्या किया, अपने आप को ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक बाजार में पूरी तरह से झोंक दिया, ओपन कर दिया थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन, किसके द्वारा ओपन मार्केट में आ गया है, ग्लोबल मार्केट में लिबरलाइजेशन के द्वारा यानी उदारीकरण के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा, निजीकरण के द्वारा, एंड ग्लोबलाइजेशन के द्वारा मीन्स वैश्वीकरण के द्वारा, पॉलिसीज कौन सी, इन नीतियों के द्वारा, यानी 1991 में ही भारत ने अपने आप को लिबरलाइजेशन की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ क्या कर दिया, ओपन कर दिया, अर्थात उसमें प्रवेश कर लिया,
बट लेकिन रिमेंड कॉशस, लेकिन भारत हमेशा सतर्क रहा एस, क्योंकि इट स्कर्टेड अराउंड, क्योंकि यह बचता रहा, दूरी बनाकर रहा द वर्ल विंड, उस बवंडर से, उस चक्रवात से ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल है, पूंजी है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल है, उससे यह कहीं कहीं स्कर्ट अराउंड करता रहा, मीन्स क्या करता रहा, बचता रहा इन करें इन द फॉलोइंग डिकेड्स। यानी 1991 में क्या हुआ, इसने प्राइवेटाइजेशन की तरफ, लिबरलाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को स्कर्ट अराउंड किया, मीन्स बचा करके रखा उस इंटरनेशनल कैपिटल से अगले, यानी कहाँ पर, फॉलोइंग डिकेड्स। फॉलोइंग डिकेड्स मीन्स क्या होता है, समझ रहे हैं, फॉलोइंग डिकेड्स मीन्स आने वाले जो दशक थे उनमें इसने अपने आप को इनसे क्या करके रखा, थोड़ा सा बचा के रखा, मीन्स अपने आप को पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के दौर में झोंका नहीं, प्रवेश नहीं किया। ठीक है, कौन कौन से वर्ष आपने इसमें देखे, पोर्टेल आपने देख लिया, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना, पोटेंशियल आपने देख लिया, क्षमता, शक्ति, रिन्यूअल, किसी चीज का पुनः नया हो जाना, स्वदेशी इकोनॉमिक पास से समझते हैं, कंटिन्यू, इंस्पायर, प्रेरित करना, बूस्ट करना, मोटिवेट करना, सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट मीन्स जो मध्य मार्गी राष्ट्रवादी थे, अबैंडन त्याग देना, छोड़ देना, ग्लोबल मार्केट वैश्विक बाजार, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, कॉशस मीन्स सतर्क सजग, स्कर्ट अराउंड मीन्स बच बच के रहना, किनारे किनारे रहना, वर्लविंड मीन्स एक चक्रवात, एक बवंडर, डिकेड्स दशक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है करें दिस हेजिटेंट अप्रोच, ये जो हेजिटेंट अप्रोच थी मीन्स कहीं कहीं जो हिचकिचाहट से भरी अप्रोच थी, मीन्स क्या थी, दृष्टिकोण था, यानी ये हिचकिचाहट से भरा दृष्टिकोण, कौन सा हिचकिचाहट से भरा, हिचकिचाहट लेखक क्यों कह रहे हैं, समझ सकते हैं, एक तरफ 1991 में उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में क्या कर लिया था, प्रवेश कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ वो स्कर्ट अराउंड करता रहा, इंटरनेशनल कैपिटल से वो अपने आप को क्या करता रहा, बचाता रहा, दूरी बनाता रहा। तो लेखक कह रहे हैं ये जो हेजिटेंट अप्रोच, ये जो हिचकिचाहट से भरी सोच है ऑफ इंडिया, भारत की, ऑफन लेड टू अ क्लैमर, इसकी वजह से अक्सर ये शोरगुल हुआ, अक्सर ये कोलाहल हुआ फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स, किन लोगों ने कोलाहल किया, किन लोगों ने शोर किया, वेरियस वोकल क्वार्टर्स, यानी भिन्न भिन्न विभिन्न जो मुखर हिस्से थे, यानी जो मुखर हिस्से थे, बोलने वाले थे, उन्होंने अक्सर ये शोर किया, किस चीज के लिए, फार फास्टर, कि और तीव्र हो, एंड डीपर, और गहराई हो, ओपनिंग, क्या वो प्रवेश हमारा, हमारी जो, हमारा जो प्रवेश हो वो और तेज होना चाहिए, और अधिक होना चाहिए, किसकी तरफ, ऑफ इट्स इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ, बट लेकिन इट्स रिलेटिव इंसुलर, एक कहीं कहीं इसकी जो अपने आप को अलग रखने की भावना थी, इंसुलर रखने की भावना थी फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल हेडविंड्स, किन से, डिसरप्टिव मीन्स विघटनकारी वैश्विक जो परिस्थितियां थी, यानी जो विघटनकारी वैश्विक परिस्थितियां थी, भारत उनसे अपने आप को रिलेटिव इंसुलरिटी दिखा रहा, मीन्स अलग रखने की कोशिश करता रहा, जिसकी वजह से टर्न आउट टू बी हेल्पफुल, ये इसका जो दृष्टिकोण था इंसुलरिटी का, मीन्स अलग रखने की भावना का, टर्न आउट टू बी हेल्पफुल, वो भारत के लिए कहीं कहीं लाभदायक हुआ सेवरल टाइम्स, बहुत बार, इन द लास्ट थ्री डिकेड्स, पिछले तीन दशकों, यानी पिछले तीन दशकों में ये चीज भारत के लिए बहुत लाभदायक रही, कि इसने अपने आप को इंसुलर रखा, मीन्स थोड़ा सा अलग रखा, जबकि बहुत सारे वोकल क्वार्टर्स ऐसे थे, ये वेरियस वोकल क्वार्टर्स ऐसे थे जो ये क्लैमर करते रहे, यानी शोर करते रहे, चिल्लाहट मचाते रहे
फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकॉनमी, कि यह भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए क्या कर दे, बिल्कुल खोल दे। लेकिन भारत ने क्या दिखाया, रिलेटिव इंसुलरिटी, यानी कहीं कहीं अलग रखने की भावना इसने प्रदर्शित की, जो आज टर्न आउट टू बी हेल्पफुल, जो आज भारत के लिए कहीं कहीं क्या हुई, मददगार साबित हुई। सेवरल टाइम्स, बहुत बार इन द पास्ट लास्ट थ्री डिकेड्स, पिछले तीन दशकों में, ठीक है, व्हेन जब मिस्टर मोदी टुक ओवर, टेक ओवर क्या होता है, टेक ओवर मीन्स किसी कंपनी या किसी चीज को अधिग्रहण में ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना होता है। लेकिन टेक ओवर एक और होता है, टेक ओवर मीन्स कार्यभार संभालना, मीन्स दायित्व संभालना, ठीक है। करें व्हेन मिस्टर मोदी टुक ओवर, यानी जब मिस्टर मोदी ने क्या किया, टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो देयर वॉज अ रिन्यूड क्राई, तो फिर से यानी नए सिरे से फिर एक चिल्लाहट शुरू हो गई फ्रॉम ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, किनके द्वारा, जो वैश्विक कॉर्पोरेशंस थे, जो वैश्विक संस्थाएं थी, कॉर्पोरेशंस थे, एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, और जो विदेशी सरकारें थी, ये फिर चिल्लाने लगी किस चीज के लिए, फार बोल्डर रिफॉर्म्स, कि भारत को और अधिक क्या ले आना चाहिए, सुधार करना चाहिए, किसमें, अपनी अर्थव्यवस्था में, अर्थात भारत को दूसरे देशों के प्रति कहीं कहीं और ओपन होना चाहिए। ये वो जो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस थे वो चिल्लाने लगे, और जो अन्य विदेशी सरकारें थी वो चिल्लाने लगी कि मोदी जी अन्य देशों के लिए कहीं कहीं क्या हो जाए, लिबरल हो जाए, अपनी इकोनॉमी को और ओपन कर दे। लेकिन देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं इसके आगे, इफ एनीथिंग, यदि कुछ हुआ भी तो क्या, ही मीन्स मोदी जी, ही ट्रेवल्ड द अपोजिट कोर्स, कोर्स मीन्स रास्ता होता है। मोदी जी ने क्या किया, उनकी तरफ यानी उनकी बात मानने के बजाय, किनकी बात, उन ग्लोबल कॉर्पोरेशंस की बात मानने के बजाय, या उन विदेशी सरकारों की बातों को मानने के बजाय, उन्होंने अपोजिट कोर्स लिया, उल्टा रास्ता अपनाया, कैसे, रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, फ्रेश ट्रेड बैरियर्स उन्होंने और अधिक लगा दिए, क्या, ट्रेड बैरियर्स यानी व्यापार पर बैरियर्स, प्रतिबंध लगाए, एंड सीकिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, और उन्हें भारत की जो उत्पादन क्षमता यानी मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है, इसको स्ट्रेंथन क्या करने किया, इसको और ताकत दी, स्ट्रेंथन बेस, इसके आधार को ताकत दी, थ्रू कैसे, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अर्थात अपनी पहल इनिशिएटिव के द्वारा, कौन सी पहल, मेक इन इंडिया, कि हम भारत में ही क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, अर्थात हम किसी दूसरे देश के प्रति अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करने के बजाय मेक इन इंडिया शुरू करेंगे और अपनी चीजें खुद बनाएंगे, ठीक है। ये उनकी जो अपोजिट जाने की नीति थी, उसकी लेखक यहां क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। यहां कौन से वर्ड्स हमने पढ़े, हेजिटेंट यानी जो हिचकिचाहट भरा हो, अप्रोच दृष्टिकोण सोच, लीड की ये सेकेंड फॉर्म बचे यहां, ठीक है, लीड मतलब आगे ले जाना, क्लैमर चिल्लाहट शोरगुल, वेरियस मीन्स भिन्न भिन्न अलग अलग, वोकल क्वार्टर्स वो हिस्से वो लोग जो मुखर थे, विरोध करने के लिए मुखर थे, इकॉनमी आप जानते हैं, इंसुलरिटी अलग रहने की भावना मीन्स संकीर्ण रखने की भावना, डिसरप्टिव विघटनकारी ग्लोबल वैश्विक, हेडविंड्स विपरीत परिस्थितियां, टर्न आउट टू बी प्रकट होना, पता चलना, साबित होना, डिकेड्स याद हो गया, दशक, टुक ओवर टेक ओवर यहां पर कार्यभार ग्रहण करना, वैसे अधिग्रहण करना भी होता है, कॉर्पोरेशन जानते हैं संस्थाएं होती हैं, और कोई वर्ड, इनिशिएटिव याद हो गया, पहल, कोई जो पहल होती है वो हमारा इनिशिएटिव होता है, और ये लास्ट पैसेज है आपके, करें इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही हैज बीन ट्रू, देखो कि यहां प्रशंसा कर रहा है, ही हैज बीन ट्रू टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग,
यानी ऐसा करते हुए वह अपनी जो आइडियोलॉजिकल कॉलिंग है, यानी उनके जो विचारधारा की पुकार है, विचारधारा की आवाज़ है, ही हैज़ बीन ट्रू, वो उसके प्रति क्या रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, एंड और आल्सो टू हिज मैंडेट्स, और अपने उन अधिकारों के प्रति भी वो ईमानदार रहे हैं, उन कर्तव्यों के प्रति भी ईमानदार रहे हैं ऑफ 2014, जो अधिकार उन्हें कब दिए गए थे, 2014 में एंड 2019, और 2019 में कौन से अधिकार, विच वर नॉट सॉट, जिसमें ये नहीं चाहा गया था R1, या जिसे इसलिए नहीं जीता गया था फॉर एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, कि मोदी जी आकर के क्या करेंगे, वैश्वीकरण को बढ़ावा देंगे, यानी उन्होंने कहीं न कहीं जो उनकी आत्मा की पुकार थी, जो उनका आइडियोलॉजी था, यानी उनकी जो विचारधारा थी, उसके प्रति वो ट्रू रहे हैं, अर्थात उन्होंने वही किया है जिस चीज के लिए, बच्चों ध्यान दिखेगा, जिस चीज के लिए उन्हें मैंडेट दिया गया था, यानी उन्हें चुन कर लाया गया था, उन्हें अधिकार दिया गया था, सत्ता में लाया गया था 2014 में और 2019 में, अर्थात जिस वजह से उन्हें 2014 और 19 में लाया गया, उन्होंने वही किया है, कुछ अलग नहीं किया। मिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स, मोदी जी की जो राजनीति है, इनफैक्ट वास्तव में राइड्स ऑन, वो किस पर चलती है, ऑन द मोबिलाइजेशन, किस पर चलती है, गतिशीलता पर चलती है, एक लामबंदी पर चलती है ऑफ पीपल, जिसमें वो लोगों को गतिशील बनाए रखते हैं, डिस्पजेस्ड एंड एलिनेटेड, उन लोगों की गतिशीलता पर चलती उनकी राजनीति, डिस्पजेस्ड, जो अपने आप को बिल्कुल डिस्पजेस्ड पाते थे, अर्थात ये मानते थे कि उनका कुछ नहीं है, एंड एलिनेटेड, और अपने आप को बिल्कुल पराया समझते थे, अकेला पाते थे बाई द रंबलिंग मार्च ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और किसके द्वारा वो अकेला पाते थे, वो पाते थे कि हर लोग किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों को मोदी जी ने क्या दिया है, कहीं न कहीं एक प्रकार से मोबिलाइजेशन दिया है, मीन्स गतिशीलता दी है, कैसे, बाई प्रोवाइडिंग देम न्यू टारगेट्स, क्योंकि ऐसे लोगों को मोदी जी ने नए लक्ष्य दे दिए, नए उद्देश्य दे दिए, टू वेंट देयर एंगर ऑन, वेंट ऑन मीन्स होता है प्रकट करना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना, यानी उन्होंने उन लोगों को ऐसा उद्देश्य दे दिया जिन पर वो अपनी भावनाएं क्या कर सकते, अपनी भड़ास क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, वो क्या है कि आप अपने देश के बारे में सोचें, न कि दूसरे देशों के बारे में सोचें। द पैंडेमिक, ये जो महामारी है, ब्रॉट टू द फोर्स, यानी ब्रॉट टू द फोर्स रहेगा बच्चों, यानी वो पैंडेमिक जो अस्तित्व में आया, जो इस महामारी ने जो जन्म लिया एट वंस, इसने किया क्या, देखिए बहुत सी लाइन बच्चों, इसने किया क्या, एट वंस द लिमिट्स, इसने सीमाएं दिखा दी, एंड इनएविटेबिलिटी, और निश्चितता दिखा दी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस चीज के, वैश्वीकरण, यानी इस महामारी ने क्या किया, इसने इस ग्लोबलाइजेशन की निश्चितता और इसकी सीमाओं को क्या कर दिया, ब्रॉट टू द फोर, लोगों के बिल्कुल सामने लेके आई, अर्थात लोगों को अस्तित्व ले आई कि हाँ देखें इस वैश्वीकरण के दौर में वास्तव में क्या होता है, जब एक महामारी हर एक देश को, जहाँ पे इतनी अच्छी हॉस्पिटल्स वगैरह की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उनको भी ये महामारी अपनी चपेट में ले सकती, क्यों, क्योंकि हर देश ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या होता जा रहा है, भागता जा रहा है। कंट्रीज, यानी वो देश, देखिएगा अच्छी लाइन है, वो देश सच है, जैसे कि द US, यानी जैसे कि अमेरिका, दैट रिलाइड ऑन अदर्स, जो दूसरों पर निर्भर रहता था फॉर द सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, किनके लिए, आवश्यक दवाओं के लिए, एंड और मेडिकल इक्विपमेंट, और किनके लिए, और जो स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित उपकरण हैं उनके लिए, वर सडनली वल्नरेबल, वो देश अचानक चपेटे में आ गए, अर्थात इस कोरोना वायरस के क्या हो गए, शिकार हो गए, ठीक है, ये लाइनें फिर से देख लो, देख, करे कंट्रीज, ऐसे देश सच एज द US, जैसा कि अमेरिका है,
ऐसे देश दैट रिलाइड ऑन, जो निर्भर रहते थे ऑन अदर्स, दूसरों पर, फॉर द सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, किनके लिए, यानी आवश्यक दवाओं के लिए, एंड और मेडिकल इक्विपमेंट, और किसके लिए, जो चिकित्सकीय उपकरण होते उनके लिए, ये दूसरे लोगों पर निर्भर रहते, दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, ऐसे देश बच्चों, ऐसे देश वर सडनली वल्नरेबल, अचानक इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। ठीक है, कौन से वर्ड से हमने पढ़े, आइडियोलॉजिकल मीन्स वैचारिक, जो हमारी विचारधारा होती है वो हमारी आइडियोलॉजी है, मैंडेट अधिकार जिसके लिए आपको चुना गया है, ग्लोबलाइजेशन याद हो गया, वैश्वीकरण, शॉर्ट समझते हैं ना, शॉर्ट सीख की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, चाहा गया, इच्छा जाहिर की गई, राइड ऑन जिस चीज पर आप चलते हो, जिस चीज के सहारे आप आगे बढ़ते हो, मोबिलाइजेशन मीन्स गतिशीलता, लामबंदी, डिस्पजिस्ट किसी को पजिस्ट न कर, अर्थात जो चीजें हो वो चीज आपसे छीन ले जाए तो आप डिस्पजिस्ट महसूस करते हैं, एलियनेटेड मीन्स बिल्कुल अलग, विनिवर्ड बट सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, जब आप दोस्तों से बिल्कुल अलग थलग हो जाए तो आप एलियनेटेड हो जाओ, रंबलिंग शोर करता हुआ, वेंट, वेंट मीन्स अपनी भावनाएं, स्ट्रांग इमोशंस को प्रकट करना, पैंडेमिक याद हो गया, ब्रॉट टू द फोर सामने ले आना, इनएविटेबिलिटी मीन्स निश्चितता, इक्विपमेंट आप जानते हैं उपकरण को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पैसेज है आपका, कह रहे चाइनाज अनमैच्ड लिवरीज, चीन का जो अनमैच्ड लिवरीज, यानी चीन की जो अथाह अतुलनीय लिवरीज है, मीन्स क्या है उसकी ताकत है, इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, किसमें, जो वैश्विक आपूर्ति की चेन्स हैं उनमें चीन की जो अतुलनीय ताकत है, एंड कंसर्न्स, और उसकी जो चिंताएं हैं, दैट की इट मे वेपनाइज ट्रेड, यह व्यापार को वेपनाइज कर सकता है, इसका कहीं कहीं शस्त्रीकरण कर सकता है, उसकी वो चेन्स हैव प्रॉम्प्टेड अ रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन, इस पर एक अचानक ग्लोबल डिस्कशन शुरू हो गया, यानी एक वैश्विक बहस शुरू हो गई है ऑन द कंपोनेंट्स, उन तत्वों पर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से, एंड और हाउ टू प्रोटेक्ट देम, और उनको कैसे सुरक्षित रखना है, इस पर एक नई बहस शुरू हो गई, वो भी किसके द्वारा, चीन के द्वारा, जिसके पास अनमैच्ड लिवरेज है, मीन्स अतुलनीय ताकत है, इसमें इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, यानी जो वैश्विक एक सप्लाई चेन्स है, एंड कंसर्न्स, और उसकी चिंताएं जो हैं, दैट की इट मे वेपनाइज ट्रेड, और कि ये पूरे विश्व में वेपनाइज कर सकता है ट्रेड को, अर्थात शस्त्रीकरण कर सकता है, इस सारी चीजों पर एक ग्लोबल डिस्कशन शुरू हो चुका है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे बनाई जाए और कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, चलिए, एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ दिस पैंडेमिक कंटिन्यूज, ये पैंडेमिक जो है कंटिन्यूज जारी है, टू इलस्ट्रेट, यानी यह पैंडेमिक ये उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है, हाउ इनसेपरेबली शेयर्ड इज, कि कितना इनसेपरेबली शेयर्ड इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि जो भविष्य की हमारी ह्यूमैनिटी है, जो हमारी मानवता है, इनसेपरेबली शेयर्ड है, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, जुड़ी हुई है, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, कहाँ, राष्ट्रीय सीमाओं से परे, यानी राष्ट्रीय सीमाओं से परे हमारे संबंध एक दूसरे से क्या है, शेयर्ड है, जुड़े हुए। मिस्टर मोदी अंडरस्टैंड दिस डायनामिक्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, मिस्टर मोदी जो हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस डायनामिक्स को, इस गणित को क्या करते हैं, वो समझते हैं, एंड और हैज सॉट टू
एडवांस इंडियाज इंटरेस्ट, और उन्होंने भारत के इंटरेस्ट को बढ़ाया है, चाहा है विद इन एन इमर्जिंग फ्रेमवर्क, यानी एक उभरते हुए ढांचे में, एक उभरती हुई व्यवस्था में ही विद इन रखा हुआ है भारत के इंटरेस्ट को, यानी भारत का जो हित है वो उन्होंने परे नहीं जाने दिया, उन्होंने एक इमर्जिंग फ्रेमवर्क, एक उभरती हुई व्यवस्था में ही बना करके उसे रखा, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये बिल्कुल आपका लास्ट पैसेज है, देखें, मैं जानता हूँ बच्चों ये दिक्कतें आ रही हैं, बट मैं ये भी जानता हूँ दिक्कतें क्यों आ रही हैं। एक्चुअली जब मैं ये पेन चला रहा हूँ इसका जो डॉट है वो दिख नहीं रहा, जब दिख नहीं रहा तो मेरा जो ध्यान है वो भटक जा, और इसमें मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ मुझे पता है, बट एक दो दिन में मैं इन चीज़ों को मैनेज कर लूँगा बच्चों, एक दो दिन दीजिए मैं मैनेज करूँ। आज हम लोग करीब 10 बजे से अभी शाम तक करीब 8:30-9 बजे तक ये सब किए, लेकिन नहीं हो पाया फाइनल, और फिर जब नहीं हो पाया तो ये मैं सारा अपना कर रहा हूँ। देखें ही मतलब यहाँ अब जिससे है ना, देखिए हम यहाँ चला रहे हैं ये दिख नहीं रहा कहाँ पे, तो फिर इसे ले जाना पड़ता है, इससे ध्यान भटक जाए। ही डिड नॉट रेप्यूडिएट ग्लोबलाइजेशन, मोदी जी ने इस वैश्वीकरण को रेप्यूडिएट भी नहीं किया, इसे नकारा भी नहीं, बट लेकिन प्रपोज्ड अ न्यू सिंटैक्स फॉर इट, लेकिन उन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन के लिए एक नई शब्द रचना कर दी, क्या कि अ ह्यूमन सेंट्रिक वन, कि हमारा जो वैश्वीकरण होना चाहिए वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी मानव केंद्रित होना चाहिए, एज जो कि अपोज्ड टू द करेंट प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल, जो इस समय के मॉडल से बिल्कुल विपरीत है। कौन सा मॉडल अभी चल रहा है बच्चों, आप समझते हैं, प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल, यानी जब हर देश ये चाहता है कि किसी भी तरह से उसका क्या हो, आर्थिक लाभ हो, इससे मोदी जी का गणित बिल्कुल अलग है, वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में रहें जहाँ ह्यूमन सेंट्रिक वन हमारा हो, अर्थात हम मानव केंद्रित ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी वो ऐसा कहते हैं। ही प्लेस्ड इंडिया एट इट्स सेंटर, उन्होंने भारत को इसके केंद्र में ले आकर के रख दिया है, दिस इज लार्जली रिटोरिकल, ये बहुत अधिक शब्द आडंबरपूर्ण हो सकता है, एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडियाज लिमिटेशंस, और शायद हम भारत की जो सीमाएं हैं अनमाइंडफुल, शायद उस पर हम बहुत ध्यान भी न दें, उसे याद भी न रखें, उन्होंने भारत को एक ऐसी पोजिशन में ले आकर के रख दिया है। टू द एक्सटेंट, यानी इस सीमा तक, दैट की सच पॉलिसीज, कि ऐसी नीतियां ब्रिंग्स सकर टू द डिसएडवांटेज, कि ऐसी नीतियां उन लोगों के लिए ब्रिंग्स सकर राहत लेकर के आती हैं, टू द डिसएडवांटेज, जो लोग क्या होते हैं कहीं के लाभों से वंचित रहते हैं। इट इज टू बी वेलकम्ड, इस सीमा तक अगर हम देखें, इज टू बी वेलकम्ड, तो इस सीमा तक हम कह सकते हैं कि इस चीज का हमें क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्या ये सोच कि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन हो वह मानव केंद्रित होनी चाहिए। इफ दिस इज वनली अ फैकेड, यदि केवल यह एक मुखौटा है, आडंबर है, फॉर मेजोरिटेरियनिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद के लिए, आर अथॉरिटेरियनिज्म या अधिनायकवाद के लिए, तो इट विल ब्रिंग मोर हार्म टू द सेम पीपल, तो यह उन्हीं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, डिसएडवांटेज लोगों के लिए और अधिक नुकसानदायक होगा, दैट दिस अप्रोच प्रोफेसेस, जो कि यह अप्रोच, यह दृष्टिकोण प्रोफेसेस घोषित करता है टू प्रोटेक्ट, कि वह उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। मैं जानता हूँ आप समझ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं, लेकिन मैंने कहा ना चीज़ें, मैं शायद ये जो मेरा डिस्ट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। देखिए करें, हिज सपोर्टर्स, उनके जो सपोर्टर्स हैं एंड अपोनेंट्स, और उनके जो विरोधी हैं अलाइक, यानी उनके सपोर्टर्स भी और उनके अपोनेंट्स भी अलाइक, दोनों एक समान रूप से वुड बी ईगर, देखने के लिए उत्सुक होंगे, क्या देखने के लिए उत्सुक होंगे, टू सी, ये देखने के लिए उत्सुक होंगे हाउ दिस फिलॉसफी, कि उनकी यानी मोदी जी की यह जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन है, हाउ, वो कैसे
ट्रांसलेट्स इनटू पॉलिसी, वो उसे नीतियों में कैसे, नीति में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये सब लोग देखने के लिए उत्सुक हैं। कौन सब लोग? हिज सपोर्टर्स, उनके समर्थक भी, एंड हिज अपोनेंट्स और उनके विरोधी भी। ठीक, हमारा मेन टारगेट क्या है बच्चों? ये है देखिए जो हमें समझना है आगे, ये सारे वर्ड्स जो हमने इस एडिटोरियल में पढ़े वो देख लें। मैं जानता हूँ आप दिक्कत में हैं, फिर भी आगे मैं मैनेज करूँगा। देखिए पढ़ने का फ़ायदा ये मेन है आपका, क्या मोटिव आपने तैयार कर लिया? मोटिव मीन्स कोई मकसद, कोई उद्देश्य, कोई अभिप्राय, कोई भावना। क्या एम्बिशस याद हो गया? महत्वाकांक्षी। क्या मेयरली याद हो गया? केवल। क्या थ्रोबैक याद हो गया? मीन्स वापसी। क्या पोटेंशियल याद हो गया? क्षमता। क्या रेप्यूडिएट याद हो गया? किसी चीज को खंडन करना, अस्वीकार कर देना, मीन्स उसे एक तरह से मना कर देना, एक्सेप्ट न करना। हेजिटेंट याद हो गया? हिचकिचाहट भरा। डिसरप्टिव, जो विघटन उत्पन्न करे, तोड़ने की भावना रखे। बोल्डर, और अधिक साहस से भरा हुआ। डिस्पजेश, किसी चीज, किसी व्यक्ति को डिस्पजेश कर देना, अर्थात स्वामित्व से अलग कर देना। इनएविटेबिलिटी, निश्चितता। रिलायंस, निर्भरता। इम्फेसिस, जोर। ग्लोबल, वैश्विक। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अबैंडन, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। स्कर्ट अराउंड, इर्द गिर्द रहना, सेंटर पे न जाना। अप्रोच, दृष्टिकोण, सोच। हेडविंड्स, विपरीत परिस्थितियां। रिटोरिकल, शब्द आडंबरपूर्ण या अलंकारिक। एलिनेटेड, अलग थलग। वल्नरेबल, जो जल्दी चपेट में आ जाए। कॉल फॉर, आवश्यकता प्रकट करना, मांग करना, अपील करना। रिन्यूड, जिसे रिन्यू किया गया हो। स्पॉन, पैदा करना, उत्पन्न करना। स्वीप ओवर, सराबोर कर देना, फैल जाना। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। वर्लविंड, चक्रवात, बवंडर। क्लैमर, बहुत अधिक शोरगुल। टर्न आउट टू बी, साबित होना, पता चलना। प्रोफेस, घोषित करना, यहाँ ई की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोफेस घोषित करना। रंबलिंग, शोर करता हुआ। लिवरेज, शक्ति, ताकत। अंडरमाइन, कमजोर करके आंकना, कमजोर करना। ड्राइव, यहाँ पर आंदोलन या कोई अभियान। पैंडेमिक, जानते हैं, महामारी। फोरटेल, मीन्स भविष्यवाणी करना। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इलस्ट्रेट, उदाहरण देना। इंसुलरिटी, अलग होने की भावना। टेक ओवर, कार्यभार संभालना या अधिग्रहण कर लेना। मोबिलाइजेशन, गतिशीलता, लामबंदी। वेंट और आन अलग अलग होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका वेंट आन, यहां मैं लिख दे रहा हूं वेंट और आन। मीन्स वेंट आन, अपनी भावना, स्ट्रांग इमोशन को प्रकट करना। और प्रॉम्प्टेड, प्रेरित। ठीक है, और ये लास्ट सेगमेंट बच्चों आपका बिल्कुल है, देख लें आप, ये है आपका जो मैजिकल टिप्स फॉर लर्निंग दीज वर्ड्स इजली। इस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स मैंने पढ़ाए, उन सारे मेन जो वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को मैंने हिंदी के साथ उनका यूज किया। आप इसे जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, और देखेंगे वो शब्द जो कभी आपको कठिन लगते थे वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आप इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख के भी पढ़ सकते हैं। ये सारे मैंने खुद बनाए इन्हें अपनी भाषा में, आप इन्हें देख करके तैयार कर लें, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलविदा। समय दें बच्चों, मुझे समय दें, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही है, आगे और अधिक व्यवस्थित हो जाएंगी, और तब आपकी जो ये शिकायत है ये मैं क्या कर दूंगा, दूर कर लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।